देखो लेंस की मैग्निफिकेशन में क्या बताया गया है, लेंस की मैग्निफिकेशन ये 10th क्लास में भी किया करते थे कि लेंस की मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और H2 बाय H1 हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, क्लियर है यहां तक। इसके अंदर अगर आप कन्वेक्स की बात करते हो, और अगर आप वो याद है उसके प्रूफ किए थे इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, तो हाइट बाय हाइट बेस बाय बेस, तो मैं बता दूं उसके अंदर अगर वैल्यूज पुट करें तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम करते हैं। अब कई बुक्स क्या करती हैं, साइन कन्वेंशन पुट करके दिखाती हैं, जैसे वो कहती है कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में रियल और वर्चुअल दो केस हैं, रियल इमेज के अंदर इमेज उल्टी बनती है तो H2 नेगेटिव है, H1 ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, ठीक है, और इमेज ऑन द अदर साइड बनती है तो V इसमें पॉजिटिव है और U इसमें नेगेटिव है, तो कहती है याद कर लो साइन कन्वेंशन, ऐसे हमने केसेस से याद कर लिया। पर मेरा मेथड ये नहीं है, हम कुछ नहीं याद करेंगे, हमें सारे केसेस वैसे मालूम है, तो जस्ट बता रहा हूं कि किताबें रियल इमेज में ऐसा फॉर्मूला यूज करती हैं। हम क्या करेंगे अभी बताएंगे, अभी करते हैं। और वर्चुअल में हाइट इमेज और ऑब्जेक्ट की दोनों सीधी होती हैं, तो H2 भी पॉजिटिव H1 भी पॉजिटिव, और इमेज और ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड होते हैं तो V भी नेगेटिव U भी नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन में ये प्लस प्लस ही चलता है। और ऐसी कनकेव के अंदर भी वर्चुअल का केस बनता है, वर्चुअल में दोनों सीधे होते हैं, V और U सेम साइड पे होते हैं, तो यहां और यहां आप अगर कंपेयर करें आप देख नहीं पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वर्चुअल का केस है, कन्वेक्स वाला वर्चुअल है या कनकेव वाला वर्चुअल है, फॉर्मूला सेम है। हम रादर क्या करेंगे, हम ये कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें लेंस के अंदर एक बड़ा सिंपल टेक्निक यूज करेंगे, हम इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये यूज करेंगे H2 बाई H1 और V बाई U, कोई साइन कन्वेंशन पुट नहीं करेंगे, बस हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कर दिया। हम न्यूमेरिकल के अंदर हमें सारे केसेस पता होंगे, हम न्यूमेरिकली ही हर न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में ही पुट करेंगे, हम इसमें याद नहीं करेंगे साइन कन्वेंशन, क्या जरूरत पड़ी है याद करने की, न्यूमेरिकल जैसा आएगा वैसे साइन कन्वेंशन का आंसर आएगा। और साथ में ये याद करेंगे मैग्निफिकेशन रियल की, रियल जब केस बनता है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि इमेज उल्टी बनती है, जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है तो इमेज उल्टी बनती है, तो मैग्निफिकेशन रियल की नेगेटिव है, और वर्चुअल हमेशा सीधी बनती है तो मैग्निफिकेशन उसकी पॉजिटिव है। तो आप प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस आप इसमें लिखें, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, जिसके अंदर प्लीज ये फॉर्मूला नोट करें, पहला फॉर्मूला, ठीक। तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक और चीज नोट करेंगे इसमें कि मैग्निफिकेशन M, U और F इनके बीच में क्या फॉर्मूला है, आप लेंस फॉर्मूला नोट करें, दोनों साइड्स को आप U से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके U बाई वी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, रेसिप्रोकल ने वी बाई यू, वी बाई यू क्या होता है मैग्निफिकेशन, तो प्लीज ये फॉर्मूला नोट करें, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। तो कई बार क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन गिवन होगी, आपको एफ गिवन होगा और आपको यू निकालना होगा, तो आप एम और यू में क्या रिलेशन है ये यूज करें, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू क्या, एम इज इक्वल टू व्हाट, एफ अपॉन एफ प्लस यू, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो एक वो फॉर्मूला, एक सीधा ये फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज एफ अपॉन एफ प्लस यू, ठीक है। उसी तरीके से एक और शॉर्टकट है कि अगर आप लेंस फॉर्मूला लिखें, इस बार दोनों साइड्स को V से मल्टीप्लाई कर दें, तो V बाय U क्या है मैग्निफिकेशन, LCM लें तो ये फॉर्मूला नोट करें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V इज M इज इक्वल टू F माइनस V अपॉन F, F माइनस V अपॉन F। तो दो फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन का U के साथ, मैग्निफिकेशन का V के साथ।
तो यहीं से सारा काम चल जाएगा, जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी के ऊपर आज हम सॉल्व करेंगे।